गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल सांचौर की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए कि आपको 11th क्लास की एग्रीकल्चर साइंस से संबंधित नई क्लास उपलब्ध हो सके। अपना टॉपिक चल रहा था पौधशाला नर्सरी, जिसमें अपन ने कल डिस्कशन कर लिया था नर्सरी का महत्व, इसकी परिभाषा, और हमें यदि नर्सरी किसी जगह पर सेटअप करनी है तो उसके लिए किस प्रकार से प्रबंधन के उपाय करने चाहिए के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज डिस्कस करेंगे आगे खेत की तैयारी कैसे करनी है और नर्सरी में लगाने के लिए पौधे किस प्रकार से अपन तैयार करते हैं। पौधशाला एवं खेत की तैयारी, तो सबसे पहले नर्सरी पौधशाला सेटअप करने के लिए अपन खेत की तैयारी करेंगे, जिसमें पौधशाला का आकार छोटा हो या बड़ा, उसमें स्वस्थ पौधे तैयार करने के लिए उसकी व्यवस्थित तैयारी बहुत ज़रूरी होती है, ताकि स्वयं विक्रेताओं की आवश्यकताओं के अनुसार स्वस्थ एवं निरोगी पौधा प्राप्त हो सकें। इनकी समुचित और व्यवस्थित निरोगी और स्वस्थ पौध तैयार करने के लिए आपको सबसे पहले काम करना पड़ेगा फिनिशिंग, घेराबंदी करना, तारबंदी करना, ईंट की दीवार बनाना, यानी कि सबसे पहले बाहरी जो आवारा पशु हैं उनसे नर्सरी की सुरक्षा करने के लिए आपको तारबंदी करनी पड़ेगी या फिर बाड़ करनी पड़ेगी। पौधशाला में तैयार किए जाने वाले कीमती पौधों की रक्षा करने तथा बाहरी व्यक्तियों का पौधशाला में आवागमन रोकने के लिए सबसे पहले चुनाव किए गए स्थान की घेराबंदी कर देनी चाहिए। घेराबंदी पक्की ईंटों की दीवार बना कर की जा सकती है, लोहे की एंगल या सीमेंट कंक्रीट से तैयार खंभों पर 4 से 5 पंक्तियों में कंटीले तारों की बाड़ बनाई जा सकती है। इसके अलावा कांटे वाले पौधे, जंगली जलेबी, कीकर, बबूल इत्यादि की बाड़ भी आप तैयार कर सकते हैं। कुछ स्थान पर बेर की सूखी झाड़ियों की बाड़ बनाई जाती है। अगर कांटेदार तारों के साथ उपयुक्त बाड़ वाले पौधे लगा दिए जाए तो आपकी घेराबंदी अच्छी हो सकती है। कुछ यंत्र और उपकरण चाहिए। नर्सरी में विभिन्न कार्य हेतु विभिन्न प्रकार के यंत्र उपकरणों की लगातार आवश्यकता रहती है, उसकी आप समुचित व्यवस्था बनाए रखें, जिसमें है फावड़ा, कुदाली, खुरपी, गेती बेलचा, हो एंड ड्रैग, हैंड फॉक, डिबलर, क्ले कायन चाकू, हेरो वाय, एंड कल्टीवेटर, ट्रावेल, हंसिया या दराती, सिकेटियर, ऊरोपण चाकू, फुहारा, कर्तन आरी, भुरकाव यंत्र, डस्टर एवं छिड़काव यंत्र, स्प्रे जैसे उपकरण और यंत्रों की जरूरत पड़ती है, तो उसी जरूरत के मुताबिक इन यंत्रों और उपकरणों की समुचित व्यवस्था नर्सरी में होनी चाहिए। सिंचाई की सुविधा, पौधशाला में वर्ष भर विभिन्न फूलों, फलों व सब्जियों की पौध तैयार कर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त अर्जित करने का उद्देश्य रहना चाहिए। इसके लिए पूरे वर्ष नियमित सिंचाई की जरूरत रहती है, अतः पौधे व पौध के लिए पानी की कोई स्थायी व्यवस्था भी होनी चाहिए। बड़े बड़े शहरों के आसपास अस्थायी व्यवस्था से पौधशाला की आवश्यकताओं की पूर्ण आपूर्ति नहीं हो सकेगी। सिंचाई के लिए ट्यूबवेल अथवा कुएं का निर्माण करवाया जा सकता है। इसके अलावा पानी के संग्रहण हेतु एक बड़ी होद या टंकी का निर्माण करना भी आवश्यक होगा, जिससे पौधे को समय समय पर आवश्यकता अनुसार पानी उपलब्ध करवाया जा सकता है। बड़ी पौधशाला में सिंचाई का कार्य स्प्रिंकलर के द्वारा किया जा सकता है। पैतृक वृक्षों तथा पौध स्थानांतरित क्यारियों में नालियों द्वारा सिंचाई की व्यवस्था करनी चाहिए। जिन क्यारियों तथा गमलों के बीज बोए गए उसमें पानी जारे
या फुहारों के द्वारा दिया जाता है। पौधशाला की योजना तैयार किए बिना कोई भी कार्य सही ढंग से किया जाना कभी भी संभव नहीं हो सकता। इस बात को ध्यान में रखते हुए पौधशाला में पौध तैयार करने से पहले उसकी एक पूर्ण योजना बनानी चाहिए। एक अच्छी पौधशाला में पौध तैयार करने से पहले उसकी एक पूर्ण योजना बनानी चाहिए। एक अच्छी पौधशाला निर्माण करने के लिए सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता अनुसार योजना बनाई जानी चाहिए। सबसे पहले कार्यालय और आवास होना चाहिए। स्थाई परमानेंट इरिगेशन सोर्स होना चाहिए। खाद भंडारण क्षेत्र होना चाहिए। बीज बोने की क्यारियाँ होनी चाहिए। स्थानांतरण क्यारियाँ होनी चाहिए। मात्र वृक्ष खंड होना चाहिए। गमले व बीज के पात्र क्षेत्र होना चाहिए और विशेष इकाई क्षेत्र का कार्य आप कर सकते हैं। कार्यालय एवं निरीक्षण आवेश में पौधशाला से अच्छा लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से इस व्यापार की देखरेख एवं समुचित व्यवस्था करने के लिए मालिक या व्यवस्थापक को पौधशाला में रहना अत्यंत आवश्यक होता है। यह आवास इनके उपयोग में काम आएगा और योजना अनुसार बनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट, सिंचाई खंड। पौधशाला में स्वस्थ व निरोगी पौधे तैयार करने के लिए जीवाश्म खाद की आवश्यकता समय समय पर रहती है। इसके लिए खाद भंडारण पौधशाला में आवश्यक होता है। ये क्षेत्र इसी उपयोग में लेनी चाहिए। बीज बोने की क्यारियाँ। पौधे तैयार करने के लिए सबसे पहले बीज इन्हीं क्यारियों में बोया जाता है। ये क्यारियाँ लगभग 1 मीटर चौड़ी 3 मीटर लंबी तैयार करनी चाहिए। वर्षा ऋतु में बीज बोने के लिए इन क्यारियों को पौधशाला की भूमि से 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची बनाएं, जिससे जल निकास आसानी से हो सकेगा तथा पौध की बीमारियों से भी बचा जा सकेगा। क्यारी में आवश्यकता से अधिक जल रहने से पौध में आर्द्र गलन रोग की संभावना भी बढ़ जाती है, तो उसे बचने के लिए आप व्यवस्थित क्यारियों का इस्तेमाल करें। स्थानांतरण क्यारियाँ। इन क्यारियों को आकार में बीज क्यारियों में बड़ा बनाया जाता है। बीज क्यारियों में तैयार हुई पौध इन क्यारियों में स्थानांतरित करके बेचने के लिए रखा जाता है। इन क्यारियों में पानी देने की व्यवस्था नालियों के द्वारा होनी चाहिए। मात्र वृक्ष खंड। इस क्षेत्र में पौधशाला को तैयार किए जाने वाले पौधों की विभिन्न जातियों के पैतृक वृक्षों को तैयार किया जाता है और इन्हीं वृक्षों से संवर्धन के लिए बीज या शांकु डालियां ली जाती है। अच्छे किस्म के पौधे तैयार करने के लिए एक अच्छी किस्म के पैतृक पौधे पौधशाला में होना बहुत जरूरी है। गमले में बीज बोने की पात्र वाला क्षेत्र। पौधशाला में कुछ महंगे बीज गमलों में या बीज पात्र में बोकर पौधे तैयार करने पड़ते हैं। अनेकों पौध गमले में उगाए जाते हैं या पौधे तैयार करने के बाद उनको गमलों में स्थानांतरित या रोप कर बेचा जाता है। इस प्रकार के बीज पात्रों व तैयार गमलों को इसी क्षेत्र में रखा जाना चाहिए। विशेष इकाई क्षेत्र। यदि आर्थिक स्थिति अच्छी हो, बहुत ही कीमती पौधे वृक्ष तैयार करने हेतु कांच के घर, छायादार घर, गर्म क्यारियाँ, शीतगृह, फुहार मिस्ट यूनिट इत्यादि विशेष इकाइयों का निर्माण आप पौधशाला में कर सकते हैं। इन इकाइयों की सहायता से और अधिक पौध तैयार कर आर्थिक लाभ कमाया जा सकता है। ये सब करने के बाद आप भूमि की तैयारी करें। भूमि की तैयारी पौधशाला का क्षेत्रफल अगर बड़ा हो तो सबसे पहले मिट्टी पलटने वाले हल से 1 से 2 जुताई आप कर लें। देसी हल या कल्टीवेटर से करें। जहां हल नहीं चलाया जा सकता उन क्षेत्र में कसी या फावड़ा से 2 से 3 बार गहरी खुदाई करनी चाहिए। प्रत्येक जुताई या खुदाई के बाद घास फूस तथा कंकड़ पत्थर के टुकड़ों को अच्छी तरह से चुनकर बाहर निकाल देना चाहिए। जुताई करने के बाद खेत में ढेले हों तो मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए पाटा या सुहाग चलाना चाहिए। भूमि अगर कुछ ऊंची नीची दिखाई दे तो आप लेवलर से भूमि को समतल बना लें। छोटे क्षेत्रफल में ये कार्य
लकड़ी की फट्टी से भी किया जा सकता है। पौधों की पौधशाला में भूमि में बीजों की बुआई से लगभग एक से डेढ़ माह पूर्व 20-25 किलोग्राम अच्छी सड़ी हुई खाद, खरपतवार के बीजों से रही गोबर या कंपोस्ट की खाद प्रति 10 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की दर से समान रूप से फैलाकर मिट्टी में मिला देने चाहिए। भूमि को पुनः समतल है वो कर लेना चाहिए। पौधशाला की मृदा को निर्जमीकृत करने के लिए 1% फॉर्मेलिन का घोल 4-5 लीटर प्रति वर्ग मीटर भूमि की दर से डालकर तुरंत पॉलीथीन से 2-3 दिन तक ढक कर रखना चाहिए। जमीन को 15 सेंटीमीटर तक फॉर्मेलिन घोल से संतृप्त करना चाहिए। ऐसा करने से भूमि के अंदर व्याप्त व्याधियां उत्पन्न करने वाले जीवाणु या कवक नष्ट हो जाते। नर्सरी की भूमि में दीमक व अन्य भूमिगत कीटों की रोकथाम के लिए क्लोरपायरीफॉस चून नीम की पत्तियों की खाद भूमि की तैयारी के समय मिला देनी चाहिए। इस प्रकार तैयार किए गए क्षेत्र को योजना अनुसार छोटी छोटी क्यारियों में विभाजित कर लेना चाहिए। क्यारियों की चौड़ाई 1-1.5 मीटर से अधिक नहीं रखनी चाहिए, उससे निराई गुड़ाई करने में आसानी से रहती है। क्यारियों की लंबाई 3-5 मीटर सुविधा अनुसार रखी जा सकती है। पौध तैयार करने तो विभिन्न पौधों के बीच प्रसिद्ध एवं विश्वसनीय बीज उत्पादकों से बीज खरीदने चाहिए। सरकारी क्षेत्र में उत्पादित बीज अधिक विश्वसनीय होते हैं, बाद में बीज स्वयं दोबारा भी आप तैयार कर सकते हैं। पौध क्रेता को आवश्यकताओं के समय उपलब्ध कराई जानी चाहिए। बीज की व्यवस्था पौध मांग से 1-2 माह पहले ही अवश्य कर लेनी चाहिए ताकि आपका काम समय पर सुचारू रूप से संचालित हो सके। थैंक यू।